आखिर कब हुआ था भगवान श्री राम का जन्म? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतारी पुरुष अवश्य थे, लेकिन उन्होंने सामान्य बच्चे की तरह माता के गर्भ से जन्म लिया था। पुराणों में इस बात को लेकर काफी मतभेद है कि श्री राम का जन्म आखिर कब हुआ था। प्रचलित कथा के अनुसार श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। इस दिन देश भर में रामनवमी मनाई जाती है, जो श्री राम के जन्म की घोतक मानी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि श्री राम के युग के बाद इतनी सभ्यताएं आई और गई, यह तय करना असंभव प्रतीत होता है कि श्री राम किस काल वर्ष और खंड में जन्मे। उनके जन्म की तारीख और स्थान पर भी कई बार बहस होती रही है, लेकिन अब तक इस बात को प्रमाणित नहीं किया जा सका है। आइए अलग अलग काल के पुराणों और प्रचलित मान्यताओं में लिखित श्री रामचंद्र जी के जन्म की तारीख जानते हैं। आइए दर्शकों जानते हैं क्या कहती है महर्षि वाल्मीकि की रामायण। महर्षि वाल्मीकि की कृत रामायण के बालकांड में भगवान श्री राम के जन्म का उल्लेख कुछ इस तरह से किया गया है। राम सर्ग 18वें श्लोक 18:8-10 में महर्षि वाल्मीकि जी ने उल्लेख किया है कि श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में हुआ है। अचंभे की बात यह है कि आधुनिक युग में कंप्यूटर द्वारा गणना करने पर यह 21 फरवरी 5115 ईस्वी पूर्व निकलता है। और अब बात करते हैं दर्शकों तुलसीदास की रामचरित मानस के अनुसार क्या है भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मतिथि। मानस के बालकांड के 190वें दोहे के बाद पहली चौपाई में तुलसीदास ने भी इसी तिथि और ग्रह नक्षत्रों का जिक्र किया है। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस के राम के पूरे जीवन की हर अवस्था का जिक्र करते हुए कहा है कि 16वें वर्ष में वह विश्वामित्र के साथ तपोवन गए और वहां पर उन्होंने युद्ध की शिक्षा ली। इसके अलावा आयुर्वेदा ने भी वाल्मीकि रामायण की पुष्टि की। वाल्मीकि रामायण की पुष्टि दिल्ली में स्थित एक संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदा यानी आई सर्वे ने भी की है। वेदा ने खगोलीय घटना के आधार पर और स्थितियों की गणना के आधार पर ये थ्योरी बनाई है कि वाल्मीकि ने तारों की गणना के आधार पर राम जन्म की तिथि की जानकारी दी है। वेद द्वारा कराए गए इस शोध में मुख्य भूमिका अशोक भटनागर, कुलभूषण मिश्र और सरोज बाला ने निभाई है। और सरोज बाला आई वेदा की अध्यक्ष भी हैं। इनके अनुसार 10 जनवरी 5114 ईस्वी पूर्व को भगवान का जन्म हुआ था। वाल्मीकि लिखते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लगन में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित श्री राम भगवान को जन्म दिया था। वाल्मीकि कहते हैं कि जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ उस समय 5 ग्रह अपनी उच्चतम स्थिति में थे। कुछ मान्यताएं यह भी है कि क्या दोपहर के समय में हुआ था भगवान राम का जन्म। यूनिक एग्जीबिशन ऑफ कल्चरल कंटिन्यूटी फ्रॉम रिंग वेद टू रोबोटिक्स नाम की इस एग्जीबिशन में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भगवान राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईस्वी पूर्व सुबह 12:05 पर हुआ। इसके अलावा दर्शकों कंप्यूटर ने खोज निकाली है नई तिथि। वाल्मीकि रामायण द्वारा बताए गए ग्रह नक्षत्रों का जब प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर के अनुसार अनुकलन किया गया तो श्री रामचंद्र जी की जन्म तिथि 4 दिसंबर ईसा पूर्व यानी आज से 9349 साल पहले हुआ था। लेकिन दर्शकों सच ये है कि 21 फरवरी 5115 ईसा पूर्व में ही भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, जो कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण में निर्धारित तिथि दी गई है। तो दर्शकों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इसलिए YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों।